चुका हूँ मथुरा और अभी हम यहाँ पे काफी प्लेस कवर करने वाले हैं। सो मैं आपको सभी प्लेस पे विजिट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या बिहाइंड द स्टोरी रही है। सो अभी यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और मैं अभी मथुरा में खड़ा हूँ और मथुरा में हम काफी प्लेसेस देखने वाले हैं। हम अभी शुरू करने वाले हैं अपनी गोवर्धन की परिक्रमा और ये टोटल परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें से आपको 3 मंदिर मिलेंगे रास्ते में। जो अभी मैं फर्स्ट मंदिर में जाने वाला हूँ, ये मंदिर ऑन द रोड गोवर्धन परिक्रमा के बोर्ड के बिल्कुल जो सामने रोड पे मिलता है 1 किलोमीटर के अंदर ही। देन वहाँ से दंडवत और रेगुलर परिक्रमा अपनी आप शुरू कर सकते हो और वहाँ से आपकी परिक्रमा शुरू होती है। देन 3 प्लेसेस आते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ से अपनी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होती है अभी गिरिराज मंदिर में और यहाँ से गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है शुरू होती है। यहाँ पे अंदर श्री गोवर्धन जी की मूर्ति है, वहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ाना है और प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू होगी। जो अंदर परिक्रमा का पाथ है वहाँ से आपको दंडवत परिक्रमा स्टार्ट होगी और आगे से अगर आप बाई व्हीकल लोगे तो उससे आपकी जो ई रिक्शा वगैरह जो ऑटो वगैरह हैं उनकी परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ से परिक्रमा का हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है, जो हमने 21 किलोमीटर की परिक्रमा स्टार्ट की है अभी गोवर्धन पर्वत पे। और ये हमारी परिक्रमा का सेकंड पड़ाव है, ये पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पर आप विजिट करें। यहाँ पे सेकंड आपका जो परिक्रमा का पड़ाव आता है, जो टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। परिक्रमा का हमारे तीसरा मंदिर है, यहाँ से हमारी परिक्रमा जो समाप्त होती है। जो हमने 21 किलोमीटर की परिक्रमा की है उसमें ये तीसरा स्थल आता है, यानी अंतिम स्थल जो परिक्रमा समाप्त होती है हमारी, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ हमें रोकना होता है। लोगों की मान्यता है कि दंडवत जो आते हैं, लोग पैदल आते हैं, लेट के आते हैं, तो वो सभी यहाँ पे आकर अपना माथा टेकते हैं और देन अपना फाइनल जाते हैं। तो लोग 7 से 8 दिन भी लग जाते हैं, बट अगर आप बाय व्हीकल आते हो तो उसमें आपका आप जल्दी फिनिश कर देते हैं।